हेलो, मैं हूं अवनीश और स्वागत करता हूं आप सबों का आशीर्वाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीर्वाद परिवार। अभी आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड आशीर्वाद मंत्रा सफलता की एक श्रृंखला। इसमें मिलवाते हैं हर हफ्ते एक सफल प्रतिभागी से। इसी कड़ी में आज हमारी मेहमान हैं सुष्मिता कुमारी। SI बिहार के पद पर इनका चयनित हुआ है, यानी बिहार में SI के पद पर इनका चयन हुआ है। आज इनसे जानेंगे इनके जीवन के कई अनुभवों को, इनसे जानेंगे परीक्षा से रिलेटेड कई ऐसे सवाल जो इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनसे जानेंगे मार्गदर्शन से जुड़े कई सवाल कि ये सामने आने वाली पीढ़ियों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे। तो पहला सवाल आपसे है कि जब हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार में हैं तो हम लोगों के समाज में सबसे बड़ी जो समस्याएँ हैं, लड़कियों को काफ़ी कम समय दिया जाता है तैयारी को लेकर, नौकरी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, हर किसी के मामले में। तो हमें लगता है कि शायद आपने भी ऐसे लाइफ को फेस किया ही होगा, और अगर आपने फेस ना भी किया हो तो आप आने वाली पीढ़ियों को ऐसे सलाह अगर देना चाहें कि उनके पास कुछ फिक्स टाइम रहता है कि आपके पास 2 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम है, तैयारी कर लीजिए नहीं तो फिर आपकी शादी हो जानी है। क्या आप पर भी ऐसा कोई दबाव था? अगर था तो कैसे आपने क्लियर किया, और अगर नहीं था तो आने वाली पीढ़ियों को ऐसे दबाव से मुक्ति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मुझ पर भी दबाव था। जैसे ही मैं ग्रेजुएशन की, पापा का यही कहना था कि अब शादी करनी है, तो मुझे लगा कि कुछ मैं तैयारी कर लूँ तो फिर भविष्य में मुझे ये ना लगे कि मैं अपने आप को मौका ही नहीं दे पाई। जी तो पापा अपना काम कर रहे थे और हम अपना काम कर रहे थे, यानी आप तैयारी में लगे हुए थे। हम अपना तैयारी कर रहे थे, पापा अपना तैयारी कर रहे थे। अच्छा, शादी की तैयारी में पापा लग चुके थे? जी बिल्कुल, ऑलरेडी लगे हुए थे। तो मेरा दोनों साथ साथ ही चल रहा था, हालांकि रिश्ता नहीं बना वो अलग बात है, लेकिन मेरा दोनों साथ साथ ही चल रहा था। कहते हैं ना, जब आप कोई भी चीज़ के लिए आप लक्ष्य क्लियर कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो भगवान भी आपके साथ जो है तैयार रहता है आपकी मदद के लिए। वो अपना 100% दिए और आप अपना 100% दिए। हम भी अपना 100%। चलिए, आप सफल रहे, वो असफल है अभी तक। चलिए, ऐसे भविष्य को लेकर आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप बेहतर घर में जाएं, आपको बेहतर जीवन साथी मिले। लेकिन हम अगले सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे कि जो समस्याएं आपके साथ थी, आने वाली लड़कियों के साथ तो समस्याएं होंगी, तो आप उनके लिए तो सीधा आंसर है आपका और क्लियर आंसर है कि आपको अपना मेहनत करना चाहिए और घर वाले को अपना मेहनत करने दीजिए। आप अपना ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा जल्दी सफलता मिलेगी, और घर वाले ज़्यादा मेहनत करेंगे उनको सफलता मिलेगी। तो वो आप पर तय होता है कि आप कितना अच्छे मेहनत को कितने अच्छे मेहनत को कर पाते हैं, कितना मेहनत कर पाते हैं। तो अगला सवाल आपसे है कि आने वाली जो लड़कियाँ हैं या आने वाली जो छात्राएँ होंगी जो उसी समाज से निकलने वाली हैं जहाँ हमारी मानसिकता आज भी जो है वो छोटी है, हम ये कहेंगे छोटी है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, वो कैसे खुद को मोटिवेट कर सके कि वो भी पुलिस प्रशासन जैसे जॉब में आ सके? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि वो अपने सपनों के साथ समझौता ना करें। जिस विभाग में जाना चाहते हैं, वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो जाए। समाज के कहने पे कि ये फील्ड अच्छा नहीं है, मुझे भी बहुत सुनने को मिला कि ये फील्ड अच्छा नहीं है, इस फील्ड के बजाय तुम टीचर में चली जाओ। जी बिल्कुल, तो समझौता ना करें वो लोग, जिसमें जाना चाहे वो जाए, और हर फील्ड सेफ है। अगर नहीं सेफ है तो कोई भी फील्ड सेफ नहीं है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि आपके लिए जो बेहतर है आप वही करें। समाज कौन होता है तय करने वाला कि आपको क्या करना है, बस सिर्फ आपके गार्जियन आपके मदद में तैयार हो। आप अपने गार्जियन कार्यन को समझाइए, उनको बताइए कि आपके लिए बेहतर पद कौन है, आप किस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पुलिस प्रशासन में बेहतर काम कर पाती, जैसे कि ये पुलिस प्रशासन में बेहतर काम कर पाएंगी, अगर ये शिक्षक बन जाती तो शायद बेहतर काम नहीं कर पाती। यानी इनका जो टारगेट था वो फिक्स था। मुझे भी बहुत लोगों ने ये कहा कि टीचर में कर लो, आराम मिलेगा। हमें जब जॉब ही करना है तो फिर आराम क्या ढूंढना। जी बिल्कुल, अगर हम किसी में जॉब नहीं करेंगे तो सबसे अच्छा आराम है। जी बिल्कुल, और ये बात इन्होंने सही कहा है। बहुत लोगों से ये चीज़ सुने कि हम नौकरी इसलिए चाह रहे हैं कि इस नौकरी में काम कम है। ऐसे नौकरी का क्या मतलब जिसमें कि नौकरी ना करना पड़े, जिसमें ऐसे काम ढूंढने से क्या मतलब जिसमें काम ना करना पड़े। तो ऐसे हमें लगता है अपना आपने बहुत बेहतर चुना है और एक बेहतर सशक्त महिला होने का परिचय दिया है, और हमें लगता है कि आपसे यह समाज काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन फील करेगा, काफ़ी ज़्यादा महिला समाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगी कि अब उनके दल से, उनके क्षेत्र से कोई बिहार पुलिस, बिहार दरोगा बड़े बड़े पोस्ट पर SP DSP, या तक कह सकते हैं कि हमारे देश में तो महिला प्रधानमंत्री रही हैं, राष्ट्रपति रही हैं, तो क्यों नहीं बिहार। जितने भी दरोगा के अभ्यर्थी अभी तक हमारे पास आए हुए, हमारे साथ जुड़े हैं, हमने उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा है कि वो GK की तैयारी को कैसे करते थे। तो हम आपसे भी सवाल पूछना चाहेंगे कि आप GK की तैयारी या मैथ की तैयारी आप कैसे करते थे? पुलिस कमेटी में मैं क्लास करती थी, आशीर्वाद में मैं टेस्ट देने आती थी, ग्रुप डिस्कशन करती थी, और फिर मैं सेल्फ स्टडी भी करती थी। ग्रुप डिस्कशन से बहुत फ़ायदा होता है,
सेल्फ स्टडी में ये होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं थोड़ी देर के बाद मन नहीं लग रहा है तो आप अपने यानी कुछ भी दूसरा काम करें, लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। ग्रुप में आप 3 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़ सकते हैं, आप अपने मन का नहीं कीजिएगा उस टाइम, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। सी, आपने कभी टाइम कोई फिक्स किया था सेल्फ स्टडी के लिए कि इतना घंटा पढ़ना है हमको, या कोई रूटीन फिक्स हो आपका? रेगुलर होना चाहिए, रूटीन वैसा कुछ नहीं था, रेगुलर पढ़ाई करते थे हम। जैसे कि ग्रुप में मैं 3 से 4 घंटा में पढ़ाई करती थी ग्रुप में, और फिर सेल्फ स्टडी में लगातार सेल्फ स्टडी नहीं कर पाती थी, 1 घंटा बहुत हो गया सेल्फ स्टडी, जस्ट मेरी माइंड में थोड़ा देर रुक कर फिर आधा घंटा 1 घंटा, फिर गैपिंग किया, फिर आधा घंटा 1 घंटा, फिर वैसे करके हम सेल्फ स्टडी करते थे, और ग्रुप में 3-4 घंटा लगातार। मेरे मन में एक प्रश्न अभी जस्ट आया कि बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती है कि जीके भूल जाना, कि पढ़े थे भूल गए, अरे पढ़ते हैं भूल जाते, इसके लिए आप कुछ ऐसा कुछ टिप्स बता सके? रिवीजन से ही वो, रिवीजन से ही पॉसिबल है कि वो भूल जाने की जो समस्या, कोई शॉर्टकट नहीं है, वो रिवीजन नहीं है। चलिए, और अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे छात्रों को देखते हैं कि वो बुक से ज़्यादा आजकल ऑनलाइन मार्केट में ज़्यादा आ गए, जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज पे, बहुत सारे जहाँ की लोगों को लगता है कि कुछ मिल रहा है वहाँ से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बुक को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बुक बेहतर है या ऑनलाइन अभी भी बेहतर है? मैं ऑनलाइन से कभी पढ़ाई नहीं की, मैं हमेशा से बुक से ही पढ़ाई की। ऑनलाइन में मेरा कोई भी ऐप आप नहीं देखिएगा कि हम स्टडी वाला डाउनलोड, हालांकि एक स्पीडी वगैरह जैसे ग्रुप में है तो सबके पास बुक नहीं है तो ठीक है, लेकिन ऐसे हम घर में कभी ऑनलाइन से नहीं पढ़ते। अब किसी में प्रॉब्लम है तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं कि हम कोई यूट्यूब या कोई ऐप डाउनलोड करके देख रहे हैं, मेरे यानी बुक ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। कुछ चीज़ों के लिए कह सकते हैं कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कुछ खास प्रश्नों में प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, तो हम उसके लिए इंटरनेट हाँ, यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट की तो सुविधा होनी चाहिए, डिजिटल युग में हम हैं, लेकिन अभी भी हमें पुस्तकों के साथ, किताबों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए, कम से कम कीजिए, लेकिन बुक से पढ़ने के बाद ज़्यादा अटैचमेंट रहता है जी, और मोबाइल से पढ़ने के बाद वो अटैचमेंट नहीं रह पाता है जी, बिल्कुल मोबाइल से वो अटैचमेंट नहीं हो पाता है, वो कंसंट्रेशन पावर जो है आपको बुक के साथ जो बनता है वो मोबाइल के साथ बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अच्छा आंसर और क्लियर आंसर था इनका कि आप जीके की तैयारी के लिए रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, बुक से पढ़िए, मोबाइल फ़ोन पर जो वीडियो आते हैं, बहुत सारे वीडियो आते हैं, उसको ज़्यादा फॉलो मत कीजिए, पढ़िए ज़्यादा फॉलो मत कीजिए, बहुत कम, बहुत ज़्यादा बुक से जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो अगला सवाल आपसे जो है यही है कि आपको कोई ऐसा पल मिला हो कि आप अपने जीवन में हतोत्साहित हो गए हों, या कोई रिजल्ट बार बार आपसे ना हो पा रहा हो, या फिर बहुत सारा आप एग्ज़ाम दे रहे हों, 1 नंबर आधा नंबर के लिए छूट जाना, तो ऐसा कोई हतोत्साहित पल? जी बिल्कुल, 1717 वैकेंसी में दरोगा SI का जब वैकेंसी आई हुई थी उस टाइम मेरा प्री मेंस फिजिकल सब हो गया था, मेरा मेरिट में जाके नहीं हुआ, फिर सेकेंड बार मैं एक्साइज SI की वैकेंसी आई हुई थी, मैं उसमें भी प्री मेंस फिजिकल सब हुआ, उसमें फिर दोबारा से मेरिट नहीं हुआ। दो बार लगातार मेरिट नहीं हुआ उस टाइम फैमिली बहुत सपोर्ट की। जी, आप तो काफ़ी हतोत्साहित हो गई होंगी उनकी, लेकिन फिर फैमिली इतनी मेरी सपोर्टिव है ना कि मुझे हतोत्साहित होने का एक दिन दो दिन तीसरा दिन उनको मौका ही नहीं देती थी वो लोग। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप कई दो बार मेरिट से बाहर हो सकते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति हतोत्साहित ना होकर और आप देख रहे हैं कि सामने में SI के पद पर चयनित हैं, तो बस लगातार मेहनत की ज़रूरत है। मैं एक लाइन ये कह सकते हैं, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। कामयाबी एक दिन, बिल्कुल बहुत अच्छी लाइन है कि कामयाबी एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, आप मेहनत लगातार करते रहें, मेहनत का दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत ही करना होगा। बिल्कुल, अगला सवाल आपसे जो है कि आप किसी को अपना आइडियल मानते थे? क्योंकि एक लड़की होने के नाते सीधा पुलिस प्रशासन की तरफ देखना कि उस पोस्ट पर जाना है, उस पद पर जाना है, कहीं से ऐसा होता है कि आपको इंस्पिरेशन मिलता होगी? मेरी माँ ही मेरी आइडियल है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, पूरे फैमिली में सबसे अधिक सपोर्ट वही करती है, पढ़ाई के क्षेत्र में मुझे कभी नहीं रोकी, जो भी करना चाहती किसी भी क्षेत्र में जाना है, ठीक है सपोर्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे साथ जुड़े, और आप यहाँ तक कि मेरे दादा दादी भी यानी गांव में अकेले रह के मुझे पढ़ने के लिए मम्मी पापा के साथ भागलपुर रखे हुए भेजे हुए। चलिए, बहुत सपोर्टिव फैमिली है आपकी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका जो आप हमारे शो में आए और काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें आपने कही हैं। हमें लगता है कि आपके इस वीडियो से बहुत सारे छात्र छात्राओं को जो है वो कई तरह की जो शंकाएँ मन में थी, कई तरह की समस्याएं थी, उसका समाधान तो ज़रूर मिला होगा कि कैसे बेहतर तैयारी किया जाए,
कि कैसे दो दो बार मेरिट से बाहर होने के बाद भी आप लगातार मेहनत कर रही थी, आप हतोत्साहित नहीं हुई, आपने कैसे समाज के दंश को झेलते हुए जो है यहाँ इस समाज में बेहतर करके पुलिस प्रशासन की तरफ एक सशक्त महिला को होने का परिचय दिया है आपने। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य को लेकर भी कि आप हमारे देश में बड़े से बड़े पद पर जाएं और आप देश की बेहतर सेवा कर पाएं, राज्य की बेहतर सेवा कर पाएं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल आशीर्वाद परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।